Hello friends, welcome back to my channel Manu's Home. Welcome to my channel friends and आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर स्पेशल पालक पनीर. तो मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स दिखा देती हूँ. सबसे पहले हमें चाहिए होगा पालक का साग. ये देखिए, इसको मैंने दो से तीन बार अच्छे से वॉश किया. उसके बाद मैं 2 घंटे के लिए इसको मैं नमक पानी में भिगो कर रखी थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कीड़े और कीटनाशक मौजूद होते हैं इसीलिए. और ये मैंने फिर से 2 घंटे बाद इसको वॉश करके पानी में रखा है. ये लेंगे हम 2 टमाटर. पनीर मैंने क्यूब्स करके काट कर रखे हैं, आप देख सकते हैं. आप अपने हिसाब से पनीर का साइज मेंटेन कर सकते हैं. अब हम लेंगे यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज, 2 कच्चे मिर्च और ये है लहसुन, दैट इज गार्लिक बहुत ही बारीक कटा हुआ, और ये है जिंजर यानी अदरक बारीक कटा हुआ. अब मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ. मसाले में हम प्रयोग करेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर. आमचूर वगैरह मैं वो सब नहीं यूज़ करूँगी. मैं कोई ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं बना रही हूँ. ये है पालक पनीर मेरे स्टाइल का, मैं ऐसे बनाना पसंद करती हूँ. और मैं जो है यहाँ पे गोटा मसाला ले रही हूँ. इसमें 2 तेज़पत्ता, 2 इलायच, 1 छोटी सी पीस दालचीनी की और 2 लौंग ले रही हूँ. आइए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे मैं जो है पानी उबलने के लिए रख दी हूँ. ये पानी पूरा बॉइलिंग स्टेज में आ गया है. अब जो है हम क्या करेंगे, इसमें अपना पालक को जो है डाल लेंगे, इसमें डाल करके उबालेंगे. हम जो है पालक को इसमें उबाल लेंगे. उबालने के बाद दोस्तों हम पालक का जो भी पानी है उसे ड्रेन कर लेंगे. ड्रेन करने के बाद जो है इसको हम ग्राइंड कर लेंगे ठंडा करके. और देखिए अच्छे से इसे हमें उबालना है. उबालते वक्त मैं कुछ ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, बस ऐसे ही मैं इसे रॉ उबाल लूँगी. इसमें हम टमाटर भी उबाल लेंगे, पर जो है टमाटर और पालक दोनों का अलग अलग पेस्ट बनाएंगे उबलने के बाद. देखिए इसको हम जो है ढक लेंगे, इसे हम इससे ढक देंगे. इससे क्या होगा, गैस भी सेव होगा, ये जल्दी उबल भी जाएगा और दोनों तरफ से अच्छे से कुक होगा. आप चाहे तो इस पर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर सकते हैं टू स्पीडन अप द प्रोसेस. मैं इसे ढक ले रही हूँ और इसी दूसरी तरफ गैस में मैंने कढ़ाई बिछाई है और मैं तेल गरम करने के लिए रखी हूँ, क्योंकि हम पनीर को थोड़ा शैलो फ्राई करेंगे. जब तक का पालक उबलता है हम पनीर को शैलो फ्राई कर लेते हैं. देखिए पालक अच्छे से उबल गया है, टमाटर भी उबल गया है. देखिए यहाँ से क्रैक्स हो गया है. अब हम इन दोनों का अलग अलग प्योरी बना लेंगे इसे ठंडा करके. मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ, इसको ठंडा करने के लिए मैं रख दूँगी. और इधर आप देखिए जो तेल है, कढ़ाई का तेल अच्छे से गर्म हो चुका है. अब हम इसमें पनीर डालेंगे और पनीर को हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे. डाल रही हूँ मैं पनीर. देखिए फ्रेंड्स, सभी लोग जो है प्याज लहसुन का भी पेस्ट डालते हैं, तो मैं थोड़ा अलग बनाना चाहती हूँ. मैं हर बाकी वैसे जो पनीर बनता है, बटर मसाला कह लीजिए या कोई सा भी शाही पनीर, उसमें आप प्याज को जो है पेस्ट करके डाल सकते हैं. पर इसमें आप एक बार ज़रा ट्राई कीजिएगा कि कैसा लगता है पनीर विदाउट फ्राइंग, जो है पनीर कैसा लगता है. फ्रेंड्स, मैं आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताना भूल गई थी. ये जो गरम पालक है इस पर मैं अभी तुरंत से ठंडा पानी डाल दूंगी, ताकि जो है इसका कलर ऐसे ही रहे, इसका कलर जो है फीका ना पड़े. देखिए हम पनीर को जो है हल्का हल्का फ्राई कर लिए हैं. बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस हल्का फ्राई करना है. और देखिए ये टमाटो का मैंने प्योरी बना लिया है और ये पालक का. देखिए पालक का ज़रा सा भी रंग नहीं गया, क्योंकि वो ठंडा पानी वाला ट्रिक अपनाया मैंने. इस पर फूड कलर भी डालते हैं मार्केट में, बट मैं घर में हेल्दी खाना बनाना चाहती हूँ. थोड़ा सा तो मैं सेफ खाना बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कोई फूड कलर नहीं डाली हूँ. फ्रेंड्स ये रियल पालक का कलर है. एंड जिस तेल में मैंने पनीर छाना था मैं उसी में इसको छौंक लगाऊंगी. अब मैं इसमें छौंक लगा लूँगी. मैं डाल रही हूँ 2 तेज़पत्ता, इसको मैंने बीच से काटा था. अब मैं डाल रही हूँ साबुत इलायच,
साबुत दालचीनी, साबुत लौंग, और इसको थोड़ा अच्छे से हम हिला लेंगे। इसको हम अच्छे से चला लिए हैं। अब जो है मैं इसमें जो है बारीक कटा हुआ प्याज डालूंगी। थोड़ा सा संभल के डालिएगा, आंच आप पर आ सकती है। प्याज डाल रही हूँ मैं। देखिए कितना अच्छा ये फ्राई हो रहा है। इस अनियन को हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे, एक दो मिनट तक का, जब तक का कि ये गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। इसके बाद हम जो बारीक कटे हुए अदरक और लहसुन है उसे डालेंगे। देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है ऑनियन। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ जिंजर, गार्लिक और मिर्च, हरी मिर्च तीनों एक साथ डाल लूँगी। देखिए ऑलमोस्ट ये जो है फ्राई हो गया है। अब जो मैंने आपको पाउडर मसाले दिखाए थे वो सारे इसमें मैं डाल दूँगी। गिव इट अ गुड मिक्स और इसको और दो तीन मिनट के लिए मैं अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि मसालों का भी कच्चा महक हट जाए। अब जो है मैं इसमें टमाटर प्योरी डाल दे रही हूँ। पहले हम पालक नहीं डालेंगे, पहले हम टमाटर का प्योरी डालेंगे। थोड़ा ध्यान से डालिएगा, आप पे आँच जो है छींटे पड़ सकते हैं। अब हम इसे और थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे ताकि इससे जो है अच्छे से एक बहुत अच्छा टोमेटो का कुक स्मेल आए। फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैं आधा किलो पालक ली थी और आधा किलो पनीर, तो ये मैं 6 लोगों के लिए बना रही हूँ। और ये देखिए आधा किलो पालक कितना सा पेस्ट बना है और ये टोमेटो का ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं इसमें इस जो पालक का प्योरी है वो डाल दूँगी। पालक का प्योरी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब जो है गैस को हाई फ्लेम पर रख करके आपको इसे बीच बीच में चलाते रहना है और पालक को अच्छे से, मैं तो 10 टू 15 मिनट्स तक कुक करती हूँ, आप अपने हिसाब से एटलीस्ट 5 टू 10 मिनट्स तो कुक कीजिए ही, क्योंकि पालक जो है सिर्फ उबला हुआ है तो उसमें जो पालक का एक महक होता है वो जाने के लिए आपको इसे अच्छे से कुक करना होगा थोड़ा ज़्यादा समय के लिए। तो इसे मैं कुक होने के लिए अभी छोड़ दूंगी 10 मिनट। देखिए पालक जो है अच्छे से कुक हो गया है, इसका जो है ऑयल भी आ चुका है। अब जो है हम इसमें पनीर के क्यूब्स को डाल लेंगे। देखिए हमने पनीर के क्यूब्स को डाल लिया है जिसे हमने पहले से ही फ्राई करके रखा था, आपको दिखाया। अब जो है मैं इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करूँगी, बस। अब इसी तरीके से मैं इसको थोड़े देर के लिए सिम कर दूँगी गैस को और इसका इसे ढक करके कुक होने दूँगी। देखिए फ्रेंड्स कितना लाजवाब और टेस्टी सा पालक पनीर बन करके तैयार है। इसकी कलर भी काफ़ी अच्छी आ रही है, आप देख सकते हैं पालक पनीर से धुआं भी आ रहा है, बहुत गरम गरम है। इसको आप गरम गरम फलका रोटी या फिर पराठे के साथ कंबाइन करें, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करना और कॉमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे बना, और मेरे चैनल को प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।